कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है। तो शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय आलाकमान को दो टूक बोल दिया। शिवराज सिंह चौहान ने बता दिया कि वो कुछ मांगने के लिए किसी के पास नहीं जाएंगे, मांगने से बेहतर मरना पसंद करेंगे। मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या? एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है, इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। शिवराज ने इसके साथ ही पार्टी को धन्यवाद भी दिया। ये भी कहा कि सीएम न बनने को लेकर उनके मन में कोई शिकायत नहीं है, वो पार्टी के लिए हमेशा की तरह काम करते रहेंगे। क्षमा करें, एक बड़ा घटिया सोच है, मैं कहां रहूंगा। अब ऐसा आदमी कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अरे मैं नहीं बना, रोऊं गाऊं, बड़ा अन्याय हो गया, काय का अन्याय हो गया। अरे मैं आज कह रहा हूं साफ, एक साधारण कार्यकर्ता को 18 साल मुख्यमंत्री बना के रखा भारतीय जनता पार्टी ने, कोई दूसरा पहलू नहीं देखते क्या? एक साधारण कार्यकर्ता को इतने साल भारतीय जनता पार्टी जिसने मुख्यमंत्री बना के रखा, सब कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, अब मुझे भारतीय जनता पार्टी को देने का वक्त आया है, ये सोच क्यों नहीं हो सकता? मुझे नहीं बनाया, क्या नहीं बनाया, इसलिए मैं इससे ऊपर हूं बिल्कुल। शिवराज सिंह चौहान के तेवर बयान देते वक्त काफी तल्ख थे। उन्होंने केंद्रीय आलाकमान को सीधे सीधे संदेश दे दिया कि अगर कुछ भी देना है तो दे, वो अब किसी के पास नहीं जाएंगे। सियासी जानकार मानते हैं कि आज भी एमपी में शिवराज सिंह चौहान जैसा कोई बड़ा जनाधार वाला नेता नहीं है। सियासी जानकार तो ये भी कहते हैं कि राज्य में बीजेपी को जो बंपर सीटें हासिल हुई हैं, उसके पीछे भी शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना का हाथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।